सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सभी मंचासीन पदाधिकारी और इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में पधारे हुए सभी कला और संस्कृति के प्रति समर्पित देवियों, सज्जनों, कार्यकर्ता मित्रों, अभ्यागत महानुभावों, मेरा ऐसा विश्वास था कि इस प्रकोष्ठ के माध्यम से हम कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो आज एक वैचारिक विकृति लाई जा रही है उसको दूर करने का सशक्त प्रयास होगा, उस तरफ आप बढ़ रहे हैं, ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता है। किसी भी देश की वास्तविक पहचान कारखानों से या भव्य अट्टालिकाओं से नहीं होती। देश की पहचान उसके जीवन में, देश के जीवन में कितना सौंदर्य है, कितनी कला है, कितना रस है, उससे होती है। बहुत धन हो, सब सुविधाएं हों, लेकिन अगर कला चेतना नहीं है, सांस्कृतिक चेतना नहीं है, तो वो जीवन एक प्रकार से निष्प्राण होता है। ये संसार स्वयं निर्माता की कला है, इसलिए इस संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कला उसकी घुट्टी में मिली है, रस उसकी घुट्टी में मिला है, सौंदर्य का अध्ययन करना, उसका जो शिव रूप है, जो कल्याणकारी रूप है, उसको समझना और समझाना, ये इस सृष्टि के मूल में है। कितनी सुंदर सृष्टि बनी है, सौंदर्य का सागर लहला रहा है, कितने सुंदर पशु पक्षी नृत्य करते हुए मिलते हैं, कैसे जीवन का आनंद लेते हैं, कितना रस बिखेरते हैं, वो इसी सृष्टि में है। ऐसा कहते हैं कि जब प्रकृति ने सृष्टि का निर्माण किया और इस सारे इस प्रकार के जितने भी तत्व हो सकते हैं सौंदर्य मूलक उसने निर्माण कर दिए, तो अब इसको देखेगा कौन, तो उसने अपने आप को मनुष्य के रूप में अवतरित किया। प्रकृति नटी भी है और प्रकृति दर्शक भी है। सारी सृष्टि का विन्यास करके तो वो नटी बनी, और हमारा आविष्कार करके हमें धरातल पर भेजकर उस सारी कला का रसपान करने के लिए हमें बनाया, क्योंकि खुद तो वो प्रकट नहीं हो सकते ना। प्रकृति तो अपना निसर्ग तो रूप रखता नहीं है, मगर उसने बना दिया। अब बनाने के बाद अगर कोई देखने वाला न हो, मोर नाचे और कोई उसे देखने वाला न हो, कहते ना जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो मोर नाचने वाला भी चाहिए और उसे देखने वाला भी चाहिए, दोनों चाहिए। तो प्रकृति स्वयं सौंदर्य रूप में प्रकट होती है और मनुष्य के रूप में उसका रसास्वादन भी करती है,
तो इसलिए हमारी जो भूमिका है एक मनुष्य की, वो इस रसमय संसार को, इसके सौंदर्य को, इसके शिव रूप, कल्याणकारी रूप को, क्योंकि हमने खाली सौंदर्य की बात नहीं की है, सत्यम शिवम सुंदरम, इस रूप में सब चीज़ों का अनुभव करना और उनको जीवन में, समाज में व्याप्त करना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। दुनिया के अनेक देशों में या ज़्यादातर देशों में कला और संस्कृति का अर्थ बहुत सतही है, ऊपरी है। फैशन डिज़ाइन उनकी कला का एक बहुत बड़ा अंग है, कला। नृत्य के जो उन्होंने आयाम प्रस्तुत किए हैं या जिनको उन्होंने समझा है, वो भी एक अलग प्रकार की चेतना उत्पन्न करते हैं। आप देखेंगे उसको, आप जाज करें या आप भारतीय नृत्य करें, आप कीर्तन करें, उसमें भी बहुत जोश आ जाता है। कीर्तन करते करते आप कितने तन्मय हो जाते हैं, और रॉक एंड रोल करते हुए भी हो सकते हैं, मगर दोनों की तन्मयता में एक अंतर है। जो कीर्तन की तन्मयता है या भारतीय नृत्य की तन्मयता है, जो उसके अंदर का रस है, वो रॉक एंड रोल या जाज में भिन्न प्रकार से प्रकट होता, वो हमारी प्रकृति को, हमारे स्वभाव के साथ मेल नहीं करता। क्योंकि अगर सभी एक ही प्रकार की चीज़ों को देखने लग जाएं और उसी से प्रेरित होने लग जाएं, वो भी ठीक नहीं, तो होने दीजिए उसको। लेकिन जो हमारा स्वभाव है, जो जिसमें हमने कुछ तत्व का, किसी तत्व का विशेष रूप से अनुभव किया है, वो हमारी कला में प्रदर्शित होता है। कुछ साल पहले मैं रूस गया, वहाँ अपने भारतीय मिशन में एक बहुत अच्छा सांस्कृतिक केंद्र है, जिसमें भारतीय संगीत, नृत्य, इसकी शिक्षा दी जाती है। भारतीय तो बहुत कम है वहाँ मॉस्को में, लेकिन मैंने देखा वहाँ की जो रूस की नृत्यांगनाएं थीं, वो भारतीय नृत्य सीख रही थी, और जो उनकी सबसे प्रसिद्ध बैलरीना थी, वो भी नृत्य कर सीख रही थी वहाँ। तो मैंने उनको पूछा कि आपको रूस में इतनी प्रसिद्धि है, यूरोप में भी प्रसिद्धि है, तो आप अपने उसी नृत्य का और अधिक अनुशीलन क्यों नहीं करती हैं? आप इस भरतनाट्यम का और कथक का, इसका यहाँ पर प्रशिक्षण ले रही हैं, क्या कारण है? उन्होंने जो कारण बताया वो महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा कि डिसिप्लिन में रहकर, एक चौकटे में रहकर कला को दिखाना और विविध रूप में दिखाना, उसी चौकटा एक ही है, लेकिन वो नृत्यांगना जो भारतीय हैं वो क्या करती हैं, उसी चौकटे में वहीं सम आएगा, लेकिन मुद्राएं अलग अलग हो जाएंगी, कभी इधर जाएंगे। मुझे पता नहीं आप में से नाट्यशास्त्र कितने लोग जानते हैं, लेकिन अगर आप उसको देखें तो वो एक ही लाइन पकड़कर उस पर गीत गाएंगी और नाचेंगी, और तरह तरह से उसी एक लाइन, एक ही लाइन को अनेक प्रकार से अभिव्यक्त करेंगी। गहराई देख से देखिए आप उसको कि कितनी उसमें लास्य है, कितना उसके अंदर आपको दिखाई देगा कि एक अनुशासित क्षेत्र में, एक बंधा हुआ मामला, इतनी देर से इतनी देर, देर नहीं बदलती, जहाँ सम आना है वहाँ आना ही चाहिए, वहाँ आपकी मुद्रा का वो पटाक्षेप होना ही चाहिए। आप बदल सकते चेंज चार्ज इतने कर सकते, मगर यहाँ और यहाँ इसको आप यों यों भी कर सकते हैं, इसको आप यों यों भी कर सकते हैं, इसको आप यों यों भी कर सकते हैं, यही आपके आलाप में होता है, यही आपके संगीत में होता है। तो उसने कहा कि ये जो विधा है ये हमारे नृत्य में नहीं, हम डिसिप्लिन के बाहर रहते हैं, हमारा कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं है कि जिसके अनुसार हमें चलना ही हो, हमारा जो मन है हम करते हैं।
हम स्वच्छंद हैं, हम स्वतंत्र हैं, और इसलिए हम ज़्यादा वेरिएशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो वेरिएशन तो होगा ही नहीं ना, वो तो फिर क्या होगा कहना मुश्किल है। उसने कहा इसलिए हम जब नृत्य करते हैं तो उसके बिल्कुल सधे सधाए कुछ खास कदम हैं, उससे आगे पीछे हम हो नहीं सकते, वेरिएशन कर नहीं सकते। लेकिन ये जो नृत्य हैं भारतीय, इसकी विशेषता ये है कि आप उसी एक कड़ी को, एक टुकड़े को 25 तरह से दिखा सकते हैं, चौकटा वही है, तरीके 25 है। मैंने कहा ये जो चीज़ है ये हमें भारत के अलावा और कहीं नहीं मिलती, और हम चाहते हैं कि हम इसको सीखें और वेरिएशंस, परिवर्तन करके दिखा सकें। ये एक बहुत ऊंची चीज़ है जो अभी हमारे देशों में नहीं है। इसी तरह संगीत में, हमारे संगीत की भी यही विशेषता। अब आजकल तो बहुत कुछ रोम्बा सांबा और तरह तरह का हो गया है, उसको संगीत कुछ लोग कहेंगे ज़रूर, लेकिन भारतीय दृष्टि से उसको संगीत कितना माना जाए कितना नहीं माना जाए वो एक अलग सवाल है। इसका ये अर्थ नहीं है कि जो हम करते आ रहे हैं उसमें उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, ये मेरा कहने का अर्थ नहीं। मेरा कहने का अर्थ है कि जो हमारा मूल है, सौंदर्य परक जो हमारी दृष्टि है, वो चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, चाहे चित्रकला हो, चाहे वस्त्र कला हो, कुछ भी हो, चाहे रंगोली हो, कुछ भी हो, लेकिन उसका मूल चौकटा वही रहना चाहिए, बाकी आप चाहे जितने परिवर्तन करें उसमें, चाहे जितना जितना रंग भरिए, चाहे जितनी विविधता लाइए, लेकिन अपने मूल चौखट को मत भूलिए। उसमें जहाँ लाना है जिससे वो और अधिक लोगों को रसपूर्ण लगे वो ज़रूर कीजिए, लेकिन ये मत भूलिए कि आपका एक मौलिक दृष्टिकोण है भारत का, कि कला में भी एक अनुशासन होता है, संगीत में भी एक अनुशासन है, नृत्य में भी एक अनुशासन है, क्योंकि हमारे यहाँ संगीत और कला ये भी योग साधना का ही रूप है, ये अलग नहीं है उससे। रिद्म, रिद्म, आप कल आप एक शब्द प्रयोग सुनते होंगे बायोरिद्म, कि बायोरिद्म शरीर का जो संगीत है, शरीर का जो अपना एक लय है, शरीर में लय है ना, आप रात को सोते हैं सुबह उठते हैं, इसको बदल दीजिए ज़रा जेट लैग हो जाएगा, होता है, यहाँ से अमेरिका जाइए तो एक दो दिन फिर आप जेट लैग, क्या रिद्म बिगड़ गया ना। तो हमारा जो रिद्म है ये अगर आप दूसरे के साथ जोड़ देंगे तो बिगड़ जाएगा, वो लय नहीं आएगी, वो ताल नहीं आएगी, वो तान नहीं आएगी, वो सुर नहीं आएगा, वो रंग नहीं आएगा, वो आनंद नहीं आएगा। इसलिए आप जो कुछ कर रहे हैं खूब अच्छा करिए, हर विधा को सीखिए, उसका उपयोग कीजिए, और इस बात का ध्यान रखिए कि हमारा जो कला का दृष्टिकोण है वो अन्य देशों से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि हमारा संस्कृति का दृष्टिकोण अलग है। हम हर एक कला में योग का पुट रखते हैं। चित्रकार को देखिए, जब चित्रकार चित्र बनाता है ना तो उसको आप डिस्टर्ब करें तो फिर कैसा लगता है, उसका सारा खेल बिगड़ जाता है। जो नृत्य सीख रहा है या नृत्य कर रहा है उसको आप डिस्टर्ब करें जरा, कहता है क्या हिम्मत को, वो तल्लीन है उस समय, उसका रिद्म उसके अंतर से मिला हुआ है, उसको आप डिस्टर्ब करेंगे, तार को आप सितार के तार को आप कसते हो ना, कसते हो डिस्टर्ब कर दीजिए, आवाज़ नहीं निकलेगी, आवाज़ नहीं निकलेगी, एक कसाव है वो ज़रूरी है। इसलिए कला में, संगीत में, चित्र में, नृत्य में, जहाँ भी कहीं आप करेंगे, आपको एक अपने रिद्म का, अपने अंदर की ताल का, अपने अंदर की लय का, वो कबीर का एक वो पाकिस्तानी गाता है फकीर कि रस मंद मंदर बाजता, बाहर सुने तो क्या हुआ, अंदर की धुन सुनता नहीं, अनहद का बाजा बाजता, अंदर की धुन सुनता नहीं। ये जो अनहद का बाजा है ये हमारा जिसको आप टेक कहते हैं ना, वो
ये उसके साथ मिलता है महाराज, वो कहता है अंदर की धुन, वो अंदर की धुन और बाहर की धुन में जब मेल होता है तो हमारे देश में कला जन्म लेती है, कला प्रस्फुटित होती है, नृत्य प्रस्फुटित होता है, संगीत प्रस्फुटित होता है, चित्रकला प्रस्फुटित। अब मुझे बताया गया कि आपकी जिम्मेदारियां दी गई हैं कुछ चुनाव में काम करने की, तो ये बहुत ही छोटा रूप है कला का। इसको अगर आप कलाकारिता मानेंगे, जो करिए वो तो कला प्रकोष्ठ, चुनाव कला प्रकोष्ठ तो नहीं है ना, कला का प्रकोष्ठ आप कहते हैं, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ, संस्कृति तो रहनी चाहिए ना उसमें, कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति, हाँ वही मैंने पर इसका मतलब गला नहीं है, कला है, नारे नहीं है इसका मतलब, गला नहीं कला है। गला भी अगर बजाना है तो फिर कला के साथ बजाइए, फिर अभी जैसा उन बेटियों ने बजाया बहुत अच्छा बजाया है कि कहीं वो लोग चले गए, अच्छा बजाया, उसमें आप देखिए उन्होंने कुछ नया जोड़ा है, है? पर पुराना बना के रखा है, ये रिद्ध नहीं टूटा थे, तो ये जो है लय और तान और सुर, हमारे यहाँ कहते हैं क्या बेसुरा हो गया, तो जो चुनाव का प्रचार होता है ना ये बेसुरा वाला है, सुर वाला नहीं होता, उतना करिए वो जरूरी है क्योंकि वो भी एक धर्म है, हम राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम जरूर करिए, मगर वो सर्वस्व नहीं है, कला उससे कहीं आगे हमें ले जाना है। भारतीय जनता पार्टी के पास शासन आए तो उस समय कला और संस्कृति का क्या रूप हो वो आपकी प्रमुख जिम्मेदारी है। मेरी सभा में आप कितना भीड़ इकट्ठा करते हैं उसके लिए आप एक आप जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, वो तो बहुत सारे मिल जाएंगे। आपकी प्राथमिक आवश्यकता जो कर्तव्य है, जो दृष्टि है, वो ये होनी चाहिए कि संस्कृति और कला के क्षेत्र में हमारा क्या विजन रहेगा। मैं आपसे कहूँगा कि मैं मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष हूँ कि आप बताएं सांस्कृतिक कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की तरफ से कि हमारे शासन में आने के बाद कला और संस्कृति का क्या रूप होगा, या आप सिर्फ चुनाव प्रचार का ढोल बजाते रहेंगे, वो भी करना है कुछ बात। वो ये बताएंगे, यही बताएंगे। आप का एक बात ध्यान में रखिए, ये जितने भी प्रकोष्ठ हैं ये अपने आप में स्वतंत्र बने, वो है असली बात, पर निर्भर क्या फायदा। सहयोग तो आप, ये तो कला तो सहयोग आप वो एक तार के तान, उससे तानपुर से एक तारा से बजाता चलता है और क्या होता है, सारे हिरण खींचे चले आते हैं। तो आपको तो वो ताकत है कि आप एक बजा दें एक तारा और फिर देखिए लोग नाचने लग जाएं। अगर आप ये कहें कि आपको क्या, अरे आप तो सहयोग के, अगर आप और साधना करें ना तो कुबेर आके नाचने लग जाए, अब क्या बात आप करें। हम बताएंगे आपको क्या करने वाले हैं सरकार, इसकी योजना चल रही है, सरकार जो आपके बारे में सोच चल रही है। इनकी कुछ तकलीफ है लगता है, थोड़ा सा कष्ट है आपको, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ऐसा है कि
जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देता है। तो आप देखते रहिए, मगर हाँ लीजिए। तो बहनों और भाइयों, आप अपना जो भी कुछ आपको बताया गया होगा ज़रूर करिए, क्योंकि उसी पर ये निर्भर करेगा कि आगे चलकर कुछ इस क्षेत्र की हम ज़्यादा सहायता कर पाएंगे या नहीं। मगर एक बात मैं आपको बता दूं, ये ऐसा क्षेत्र है कि जिसका मनोरंजन के लिए लोग उपयोग करते हैं, और वो हो जाने के बाद आपको नमस्कार कर देते हैं, वो मत बनिए बस। कलाकार का स्वाभिमान, उसके अपने अंदर का की चेतना, उसको बनाए रखिए, उसको जागृत रखिए। बाकी जो करना है वो समाज धर्म के नाते, राजधर्म के नाते, आपके मन में जो वर्तमान परिस्थिति को देख के क्षोभ है उसके नाते जो कुछ करना है वो ज़रूर करिए, लेकिन ये मत भूलिए कि कला और संस्कृति का उद्देश्य बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। क्योंकि कलाकार स्वयं ब्रह्म है, प्रकृति है, निसर्ग है, परमात्मा है, ईश्वर है, आप उसके अंश, इसलिए आपका आपका आपकी जो कला चेतना है वो सामान्य नहीं होनी। अब वो किसी में डोरमेंट हो जाए बात अलग है, लेकिन आप देखें कि हर आदमी अपने अपने ढंग से कला करता है। कला करिए मगर कलाकारी मत करिए। कला तो वरेण्य है, लेकिन कलाकारिता जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी वो नहीं। तो आपको मेरी पूरी शुभकामनाएं हैं, आपके सुदीर्घ जीवन की मैं शुभकामनाएं करता हूं, कि एक चुनाव के बाद भी आप आगे अस्तित्व में बने रहें। क्योंकि मैं जानता हूं मैं संस्कृति मंत्री रहा हूं इस देश का। कला के बहुत आयाम है, बहुआयामी विधा है ये, सबकी साधना करिए, सब तरफ से करिए, और कलात्मक जीवन जीते। हम लोग तो चूक गए, विज्ञान में चले गए और फिर राजनीति में फंस गए, तो लेकिन आप लोग जो है राजनीति और कला में रहिए तो अच्छा रहेगा, पर कला में ज़रूर रहिए, राजनीति को कलामय और संस्कृतिमय बनाइए, तब आपके प्रकोष्ठ काला। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।